वो दे। नहीं रुक, मैं अभी आई। देखियो कितना प्यारा है ये। बहन वो छोड़, ये देख कितना सॉफ्ट सा तकिया है। तो तू पागल है क्या? अभी के अभी सारा भांडा फोड़ देता, बस मैं कर लूंगा। सॉरी अंकल जी, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गई थी। मुझे आदत नहीं है ना नौकर बनने की, इसलिए हो गया वो ऐसे। लेकिन जो इन दोनों मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं नौकर क्या बंदर बनने के लिए भी तैयार हूँ। इन दोनों ने इस शहर के सारे अमीर बच्चों को लूटा है। अब मैं अपने हिप्नोटाइज से इन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जो बहुत अमीर होगी, लेकिन वो होगी नहीं। बस मैं कर लूंगा। मतलब समझा नहीं अंकल। इसका मतलब ये कि ये झोपड़पट्टी में रहेंगे, लेकिन इनको लगेगा कि ये बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं। बस मैं कर लूंगा। क्या? हाँ, और इनकी इन सब हरकतों की वीडियो बनाकर हम इंटरनेट पर डाल देंगे, वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। बस मैं कर लूंगा। भाई तू देख रहा है कितना अच्छा स्टैचू है, मैं तो इसको ना अपने बेडरूम में रखूंगी। अरे बहन ये देख तू कितना सॉफ्ट तकिया है, मैं तो इसी पे सर रख के सोया करूंगा अपने बेडरूम में। लेकिन अंकल अगर ये लोग घुस में गए तो? सुन, एक बात का ध्यान रखना, इनके आसपास कोई भी तेज आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो इनका हिप्नोटाइज खत्म हो जाएगा और ये होश में आ जाएंगे। बस में कर लूंगा। अगर ये लोग घुस में गए तो मैं पिछवाड़ा लाल कर देंगे मार मार के। अरे तू डर मत, और ये खाना ले जाकर उन्हें दे दे, बस में कर लूंगा। जल्दी जल्दी जल्दी। भाई ये नौकर अभी तक खाना क्यों नहीं लाया? रुक नौकर, ए नौकर जल्दी खाना लेकर आओ। कहाँ रह गए नौकर? भाई वाली आपका खाना। वाह इतना सारा खाना, चलो दीदी सबसे पहले नूडल्स खाते हैं। वाह ये नूडल्स तो अच्छे हैं, पर समझ नहीं आ रहा चबाने क्यों पड़ रहे हैं। अरे जवाहर ये ना अमीरों के नूडल्स हैं, विदेश से मंगवाए जाते हैं, उससे ही कहते हैं। कुत्तों को ना घी हजम नहीं होता। अरे चुप करके, इतने अच्छे नूडल कहीं नहीं मिलेंगे। चल चल अब पिज्जा खाएंगे, अब पिज्जा की बारी। अरे बहन ये पिज्जा तो देखकर ही कितना चीज़ी लग रहा है। क्या क्या मस्त पिज्जा है बहन, मजा आ गया। हाँ भाई कोल्ड ड्रिंक है, भाई कोल्ड ड्रिंक देखो। हाँ ले ले कोल्ड ड्रिंक पी, ठंडी है ना। वो चीज़ी है भाई, मजा आ गया। जी गंदा गई का कटर छाप लोग ना अमीर बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। अबे वो कछुआ छाप की शक्ल की क्या बकवास कर रही है? अबे टाइम पास के लिए नाक में उंगली डाल रहा है, भूल गया क्या? अब हम अमीर हो गया, अब हमारे पास प्लेयर चेंज है ना खेलने के लिए। अरे बाबन ये तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था, चल चल गेम खेलते हैं मजा आएगा। रुक एक मिनट, ए नौकर इधर आ। जी मालिक एक काम करो, हमारे लिए प्ले स्टेशन लेकर आओ, हमें वीडियो गेम खेलनी है। जी मालिक अभी लाया। अब आएगा ना मजा, प्ले स्टेशन खेलेंगे। लीजिए मालिक आपको प्ले स्टेशन। भाई इसको भगा दे नहीं तो ये भी खेलने के लिए जिद करेगा। हाँ ठीक कह रही है। नौकर जी मालिक बताइए। कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ जाओ जाओ। भाई हमने प्ले स्टेशन तो मंगवा लिया, अब को खेलते कैसे हैं? इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अबे उबले हुए लोग किसी शक्ल की, जो तेरी अकल है ना वो पिछली गली के गटर में गिर गई है ना, तो इसको टीवी पे कनेक्ट करते हैं तभी तो चलेगा। अच्छा ऐसा है क्या, ला अपना फोन दे मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करती हूँ। अरे यार तू चुप रह, तुझसे नहीं होगा, अभी मैं करके आया। तो रुक निकल। अरे ये रहा मेरा रिमोट, चल स्टार्ट कर, आजा अब देखते हैं कौन जीतेगा। तो आज गई, ये देख ये देख ये मारी टक्कर, क्या मस्त गेम है बहन, मजा आ रहा है। कैसे दोनों बेवकूफ, चप्पल को रिमोट समझ के गेम खेल रहे हैं। बस मैं कर लूंगा। तो वाह अंकल जी अच्छा हुआ जो आप इनको मुझे लूटते हुए देख लिया, और अब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अरे अभी का बदला पूरा हुआ है, अभी तो देख आगे आगे होता क्या है। बस एक चीज का ध्यान रखना, इनके आसपास कोई भी तेज आवाज नहीं होनी चाहिए, वरना ये बाहर आ जाएंगे हिप्नोटाइज से। बस मैं कर लूंगा।